राघवेंद्र द्विवेदी, बात हम वन नेशन वन इलेक्शन की कर रहे हैं, लेकिन मामला तो जब चार राज्यों के चुनाव नहीं, यहां तक कि अब उपचुनावों की भी तारीखें बदली जा रही है, तो कैसे संभव होगा? देखिए पूजा जी, भारत में पहली बार किसी चुनाव का तारीख नहीं बदला है, और मैं काफी समय से सुन रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी। ये लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक नारा लेके आए थे, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, और नारा इतने झटके में लेके आए और इतने झटके में लेके आए कि खासकर जो पांचवें छठवें चरण के बाद की जो चुनाव थी वो जनता इनको नहीं समझ पाई। अब ये फिर फंस गए। राहुल गांधी जी लेके आए थे खटाखट खटाखट खटाखट, प्रियंका जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, पैनल में है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ऐसा सफाचट किया कि ये एक सीट भी मांग नहीं पाए समाजवादी पार्टी से, उपचुनाव पूरी तरीके से हार मान के। झटका तो आपकी पार्टी को भी लगा, झटका तो आपकी पार्टी को भी लगा। समाजवादी पार्टी जो हमेशा बांटने का काम करती है, उसको ये लग रहा है कि हम जनता के बीच में कैसे रहेंगे 7 दिन, ये तो उब गए हैं, ऐसी कमरे से निकले हुए काफी दिन हो गया। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी पे दिन गिन रहे थे कि किसी झटका तो आपकी पार्टी को भी लगा ना कि आप इन 9 सीटों में एक भी सीट पर क्लेम नहीं कर पाए। नहीं, हमारी कोई सीट ही नहीं थी, हम क्लेम क्यों करें? अभी हम फ्रेश चुनाव होगा, फ्रेश चुनाव लड़ेंगे। हम तो 9 सीट पर जीतने के लिए आए हैं, एनडीए गठबंधन एकजुट होकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं। चुनाव 7 दिन नहीं 17 दिन चलता, तब भी हम जनता के बीच रहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, देखिए अब दिन प्रतिदिन 4-5-6 कार्यक्रम, अरविंद जी, अरुण जी, सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जनता से भागने वाले नहीं है, भागने वाले तो दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी है, जो 7 दिन चुनाव का डेट क्या पड़ गया, इनको लग गया आफत पड़ गया, जनता को कैसे झेलेंगे भाई, जनता के सवाल का जवाब कैसे देंगे? ये केवल भ्रम फैला के और जनता का वोट लेके भागने का काम नहीं हो पाएगा। जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है कि हम कहां सुरक्षित हैं, केवल गुमराह करके वोट आप नहीं ले पाएंगे जी। लेकिन अगर आप इसको अगर वाइस वर्सा देख लीजिए ना, कि अगर 13 तारीख को होते, थोड़ा सा भी वोट बैंक, थोड़ा सा भी वोट परसेंटेज अगर घटता, तो मुश्किलें आपके लिए हो सकती थी। आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। देखिए क्या है, जनता अभी एसएन सिंह जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जनता कर्मों पर काम करती है, और पूजा जी News 24 बहुत ही सम्मानित चैनल है, यही News 24 2017 के पहले गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहां 2 राज्य उत्तर प्रदेश बिहार और एक देश नेपाल तक के बच्चों का इलाज होता था मेडिकल कॉलेज में। अभी प्रियंका जी कह रही थी बुखार, प्रियंका जी मैं आपको याद दिला दूं, एक नाम है इंसेफ्लाइटिस बुखार। समाजवादी पार्टी के लोग 2012 से 2017 तक समझ ही नहीं पाए कि बरसात के मौसम में इस इलाके में हजारों बच्चे कैसे मरते हैं। आखिर वही योगी जी आए, वही डॉक्टर, वही मेडिकल कॉलेज, वही व्यवस्था, वही सरकार, बुखार कहां गायब हो गई? सरकार अगर कर्म करती है तो जनता देखती है, और कर्मों के आधार पर जनता चुनती है। मुझे लगता है कि इनको फिर से अभी जरूरत है जनता के बीच में रहने की। ठीक है।